सो टुडे वी विल डू जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे बेस्ड, और थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म पे भी जो क्वेश्चन बेस्ड है, ये दोनों चीज को हम लोग टच अपॉन करेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, बट थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह एक बार फिर से लिख लेंगे जिससे कि याद है फॉर्मूले और उसको अप्लाई कर सकें आज के क्लास में। सो दिस इज द एजेंडा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स, इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से देयर इज अ बार मैग्नेट, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट, लेट्स से दिस इज दिस नॉर्थ पोल एंड हियर वी हैव साउथ पोल एंड द पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एम। लेट the pole strength of bar magnet is equal to small m and the effective length of this bar magnet let's say is equal to 2l. So magnetic moment मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज कैपिटल एम, दिस इज इक्वल टू एम इन टू टू एल। नाउ सेकेंड फॉर्मूला विच वील बी यूजिंग विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस इज टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। सो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट is given as tau is equal to m cross b, and third the potential energy is equal to minus of m dot b। तो dot product लेते हैं dipole moment और magnetic field का, तो sorry magnetic moment और magnetic field का, तो हम लोग को potential energy निकलता, और magnetic dipole moment का cross product magnetic field से लेंगे तो torque निकलेगा, ठीक है। बहुत से मतलब सिमिलैरिटी है जो हम लोगों ने देखा भी था इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल के बीच में। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, लेट्स से हमारे पास बार मैग्नेट है, इसमें दो पोजीशन हम लोग लेंगे, तीन पोजीशन इनफैक्ट, एक जनरल पोजीशन लेंगे और बाकी दो पोजीशन। सो फर्स्ट है जिसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन कहते हैं या एक्सियल पॉइंट कहते हैं,
एंड ऑन पॉइंट और एक्सियल पॉइंट, इस पे लेंगे तो लेट्स से हमारे पास ये बार मैग्नेट है, इसके इससे डी डिस्टेंस पे, सेंटर से डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस मैग्नेट का खुद का जो लेंथ है वो 2L है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π 2MD डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी में इफ डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तब हमारा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π 2m बाय डी क्यूब। क्लियर है इतना? लिख लिया सबने? यस सर। ये लेट लतीफ बालक सब लिखा तुम लोगों ने, 10 मिनट वेट किए तब स्टार्ट किए, उस समय तब तक भी आए हुए नहीं थे तुम दोनों, है? लिख लिया सर। एज्यूम कर लियो रोज जो है 9:40 पे ही होगा, नहीं? मैं तो उठता ही 9:30 पे। सही बात, बहुत अच्छा काम करते। नहीं सर, वो आज ही हुआ है ऐसा। आईआईटी में भी इसी तरह जाना, क्लास ही नहीं अटेंड करना है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो फिर उठना पड़ेगा ना समय पे। यस सर। सेकंड आते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेन पे। सेकेंड इज आइदर ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन और इक्वेटोरियल प्लेन। दोनों चीज बोला जाता है। सो यहाँ पे ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे अगर हम लोग निकालेंगे, सो दैट मीन्स ये हमारा मैग्नेट है, यहां पे कोई पॉइंट है पी एट ए डिस्टेंस डी। सो द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और यही इफ B is very very large than L. M B is equal to mu naught by 4π M by d cube. तो पिछले क्लास में देखो वहां 2m by d cube था, यहाँ m by d cube है। So basically इसका जो equatorial plane पे है वो half होगा जो axial plane पे है उसके। Now, अगर कोई जनरल पॉइंट लेते हैं तो वहां पे सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at any point P making angle theta with the magnet. So let's say हमारे पास एक ये magnet है, इस magnet से
जो ये एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, किसी पॉइंट पी पे निकालना है, तो एक तो इसके अलोंग हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर हो गया, और ये रिजल्टेंट हो गया। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इससे एंगल बना रहा है, लेट्स से ये अल्फा है। सो पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज गिवेन एज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। m by r cube root under 1 plus 3 cos square theta. Also, tan alpha will be equal to tan theta upon 2. Alpha से आपको direction मिलेगा उसका, और बी उसका मैग्नीट्यूड देगा। क्लियर है? यस सर। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझें, this is the vertical direction and this is geographic north ये जो side है इसको हम लोग magnetic north कहते हैं। this is magnetic north this plane is magnetic meridian this plane is geographic meridian This is the direction of horizontal component of Earth's magnetic field, and this is the direction of vertical component of Earth's magnetic field. So this is BV, this is BH. The resultant of these two, this is the net magnetic field of Earth. The angle between horizontal and net magnetic field is delta, which is called dip at a particular point. And this angle,
angle between the geographic meridian and magnetic meridian is represented by theta, which is known as declination. Okay. So theta is declination. And delta is dip at a point. और हमें पता है कि tan delta is equal to BV upon BH. तो ये बेसिक्स है जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. लिख लिया सबने? यस सर. यस सर. Now, a bar magnet has a pole strength of 3.6 ampere meter and magnetic length of 8 centimeter. So, pole strength M ka value hai 3.6 cm or magnetic length matlab 2L is equal to, so 2L is equal to 8 centimeter. So, isse L is equal to 4 centimeter ho jayega. मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.04 मीटर होगा. नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर. सो डी का वैल्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर. नाउ सिंस डी इज नॉट large as compared to L, ठीक है, L के comparison में बहुत large तो है नहीं, तो जो magnetic field B होगा, B is equal to mu naught by 4 pi 2md by D square minus L square का whole square. तो capital M is equal to small m into 2l. तो ये वैल्यू पहले निकालते हैं. So this is equal to 3.6 into 0.08. वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे. ए पॉइंट, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा इंटू 2 एम डी 2 इंटू 0.28. डी इज 0.06 डी स्क्वायर 0.06 square minus L square 0.04 square.
सो n टू द पावर माइनस सेवन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 0.288 इंटू 0.06, तो 0.03456 डिवाइडेड बाय 0.06 स्क्वायर माइनस 04 स्क्वायर. So this is 2 into 10 to the power minus 3. So this will be 10 to the power minus 4 into 0.03456 divided by 4 into 10 to the power minus 6 or 10 to the power minus 1 into 8.64. So this is 8.64 into 10 to the power minus 1. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे. अब सेकंड पॉइंट, पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट सेम डिस्टेंस, तो ब्रॉड साइड पोजीशन पे हम लोग को निकालना है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर raised to the power 3 by 2. Ten to the power minus 7. So m is 0.288 divided by d square plus l square 3 by 2. So this is 0.06 whole square plus 0.04 whole square raised to the power 3 by 2. So B is equal to, so 0.06 square plus 0.04 square. So this is 7.68 into 10 to the power minus 5. Clear, Abhishek? Yes, sir. लिख भी लिया सबने?
निकलिए बच्चों। यस सर। Magnet is suspended by a vertical string. Vertical string attached to a middle point. Find the position in which the magnet can stay in equilibrium. The horizontal component of the Earth's magnetic field is 25 mu t. So, देखो, BH is equal to 25 into 10 to the power minus 6 tesla. And its vertical component BV is equal to 40 into 10 to the power minus 6 tesla. Assume that the strings make contact with magnet only at a single point. We have to find the position in which the magnet can stay in equilibrium. मतलब डेल्टा का वैल्यू तुमको निकालना है. बेसिकली मैग्नेट क्या है, डिप करेगा. मतलब बेसिकली जब आप एक मैग्नेट को ये एक फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा. तो ये बी एच है और ये बी वी है. मैग्नेट का जो डायरेक्शन होगा वो इसके रिजल्टेंट के अलोंग होगा. मतलब इसके अलोंग, तो अगर आपने कोई मैग्नेट को ऐसे अगर हैंग किया है एक पॉइंट से, तो इसका जो पोजीशन होगा, दिस विल बी, इसका जो डायरेक्शन होगा इट विल बी लाइक दिस. तो ये जो डिप करता है, राइट, सो एज्यूम दैट स्ट्रिंग मेक्स कॉन्टैक्ट विद दिस. हमें निकालना पोजीशन इन विच द मैग्नेट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम. सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा. सो दिस डेल्टा का वैल्यू हमें निकालना इन विच इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम. सो नॉर्थ साउथ प्लेन में, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में ही डेल्टा एंगल से बना के ऐसे रहेगा. सो टैन डेल्टा is BV upon BH. So this will be 40 by 25, 8 by 5. So delta is equal to 10 inverse 8 by 5, 58 degree approximately. ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर. सो ये जो मैग्नेट है इसका ये नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. देखिए क्वेश्चन है, मैग्नेटिक नीडल हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड magnetic moment M is equal to 10 ampere meter square. And length 2 centimeter. 2L is 2 centimeter, 0.02 meter. So small L is 0.01 meter. Now, is clamped at its center in such a way that it can rotate in the vertical east-west plane. तो देखो इसको clamp किया है यहाँ पे, तो ये vertical plane में, east-west plane में ये it can rotate in a vertical east-west plane. ठीक है, east-west plane में ये vertically ऐसे rotate कर सकता है.
Now, a horizontal force towards east is applied at the north pole. So, north pole पे एक horizontal force लगा रहे towards east, F. To keep the needle fixed at an angle of 30 degree. है ना, इस force के लगाने से ये angle 30 degree fix रहता है, मतलब equilibrium with the vertical. Find the magnitude of the applied force. तो ये जो applied force लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं उसका magnitude निकालना है. The vertical component of Earth's magnetic field is 40 mu t. So ये 40 mu t है इसका vertical force. So force F is equal to पोल स्ट्रेंथ एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी करते हैं तो हम लोग को फोर्स का वैल्यू निकल के आता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू बी होता है मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ एम इंटू बी गिव्स अस मैग्नेटिक फोर्स सो इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे जो इस पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में अगर है तो एम बी वी नॉर्थ पोल पे इधर एम बी वी लगेगा साउथ पोल पे इस डायरेक्शन में लगेगा ठीक है सो ये एम बी वी इधर और इस पे एम बी वी इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है यहाँ पे राइट सो ये दोनों जो है ये कपल ऑफ फोर्स है जिसके वजह से ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो पोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स लग रहा है पोल्स पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इस फोर्स के वजह से क्या टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगा तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा तभी वो 30 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में रहेगा So, ये जो डिस्टेंस है ये जो एफ का जो टॉर्क निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये एल हो गया तो ये एल कॉस 30 डिग्री हो गया और ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर ये एल साइन 30 डिग्री हो गया ठीक है सो जो नेट टॉर्क टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर इक्विलिब्रियम सो क्लॉकवाइज मोमेंट एफ के वजह से एफ इंटू एल कॉस 30 डिग्री एफ इंटू एल कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एम बी वी एल साइन 30 डिग्री प्लस एम बी वी एल साइन 30 डिग्री सो एफ इंटू एल कॉस 30 डिग्री So we have अब देखो इसमें L L और L को कैंसिल कर दो F cos 30 डिग्री दैट मीन्स टू एम बी वी साइन 30 डिग्री सो F इज इक्वल टू टू एम बी वी टेन 30 डिग्री So small m, the capital M is equal to small m into 2L. So small m is equal to capital M divided by 2. यहाँ पे replace कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 m by 2L, BV 10, 30 degree.
So this will give us F is equal to, ये 2 और 2 cancel हो गया, M by L. So 10 divided by 0.01 into vertical component जो है magnetic field का, BV वो दे रखा है 40 mu t, 40 into 10 to the power minus into root 3. So this will be 10 to the power 3 and 10 to the power root 10 to the power minus 2 होगा 4 root 3 10 to the power minus 2. Sorry, 10 30 degree है ना, 1 by root 3 होगा 4 by root 3 10 to the power minus. So this will give us 2.3 into 10 to the power minus 2 Newton. So this is the force which is being applied on this. Magnitude of the applied force to keep it stationary at 30 degree, at equilibrium at 30 degree. So this amount of force is being applied. Here, bachcho. Yes, sir. दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Now this figure shows two identical magnetic dipoles A and B of magnetic moment M each placed at a separation D with their axis perpendicular to each other. Find the magnetic field at a point P midway between them. So basically हमने कि यहाँ पे magnetic field निकालना है, तो देखो ये जो है इसके वजह से axial plane पे magnetic field इस direction में होगा, और यहाँ पे जो है इसमें जो है एक्सियल जो इक्वेटो इस मैग्नेट के वजह से इक्वेटोरियल प्लेन में इधर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक, ब्रॉड साइड जो इक्वेटोरियल प्लेन में. अब ये जो है ये एक्सियल प्लेन और ये इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब ए वाले मैग्नेट के वजह से ये फील्ड हो गया और बी वाले के वजह से ये फील्ड हो गया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा. So this is due to A magnet and this is due to B magnet. इन दोनों का जो resultant होगा वो हमें निकालना है, net magnetic field. Find the magnetic field at the point P midway between the poles. अब देखो D है तो इससे जो इसका distance होगा, this distance is D by 2. और यहाँ पे ना magnet का length कहीं दे नहीं रखा है, magnet का length नहीं दे रखा है तो हम लोग assume करेंगे कि जो distance है that is very very greater than L. So we assume that D is very very greater than L in this case. और उसके बाद फिर हम लोग जो formulas लिखेंगे, तो magnetic field due to A, B A is equal to mu naught by 4 pi 2m divided by D by 2 का whole cube. So this is equal to mu naught by 4 pi. तो ये तो हो गया हमारा
राइट, इसको ऐसे ही रहने दो. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी इन इक्वेटोरियल प्लेन इज म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय डी बाय 2 का होल क्यूब. अब बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, अब इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई एम डिवाइडेड बाय डी बाय 2 होल क्यूब को बाहर ले लो, अंदर बच जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय डी क्यूब बाय 8 इंटू रूट 5. तो ये 4 और इसको कैंसिल करते हैं, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज 2 रूट 5 म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब. सो 2 रूट 5 म्यू नॉट एम अपॉन पाई डी क्यूब, ये हमारा नेट मैग्नेटिक. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. सेवेंथ वाला है बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ. सो बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर. तो इसका लेंथ जो है 2L, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इसको हम लोग 0.08 मीटर लिखते हैं. सो 2L इज इक्वल टू 0.08 मीटर और L इज इक्वल टू 0.0. पूल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर दे रखा है. इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स साउथ पोल ऑन द टेबल. अ न्यूट्रल पॉइंट इज फाउंड ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर नॉर्थ. तो यहां पे एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा. न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, अर्थ के वजह से, उस मैग्नेट के वजह से सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जहां कैंसिल कर देंगे वहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिलता है. सो इस पॉइंट पे सारा मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड हो जाएगा. नाउ कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हॉरिजॉन्टल बी एच जो है नॉर्थ के अलॉन्ग होगा. ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर अलॉन्ग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ का यही डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, राइट? जो मैग्नेटिक मेरिडियन का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में. तो बी एच इसके अलोंग लगेगा जो मैग्नेटिक नॉर्थ के अलोंग लगेगा, और जो साउथ पोल ये मैग्नेट का है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और नॉर्थ पोल के मैग्नेट के वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा नॉर्थ के वजह से. तो ये नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ पोल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ये तीनों को बैलेंस करना है.
तीनों को बैलेंस करना है. आप देखो bn का जो cos कंपोनेंट होगा, इसका जो cos कंपोनेंट प्लस bh विल बैलेंस bs. सो इफ वी राइट दिस, पहले तो हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं वैल्यूज. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय d स्क्वायर. जो इसका पुल स्ट्रेंथ है दैट m इनटू जो इसका लेंथ है, तो ये पुल स्ट्रेंथ और ये जो लेंथ लेंथ d है तो m बाय d स्क्वायर. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ पोल के वजह से है दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई. ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर. सो m बाय डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर. अब इसका कॉस कंपोनेंट इधर हम लोग को लेना है, तो बी एन कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर. कॉस थीटा क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा. कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर. Resultant magnetic field due to magnet so at neutral point BH will be equal to BS minus BN cos theta. So this is mu naught by 4 pi m divided by d square plus 4l square minus mu naught by 4 pi m d square plus 4l square 3 by 2. So इसको common ले लेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 माइनस डी अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर. अच्छा बी एस ये था ना, आई एम सॉरी. ये हमारा डी बी एस था, तो यहां पे ये कॉमन नहीं आएगा. 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1 डी बाय डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर 3 बाय 2. ये कैलकुलेट म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 है. स्मॉल m का वैल्यू दे रखा है हमें 1 बाय डी स्क्वायर. डी है हमारा 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज 1 बाय 0.06 का होल स्क्वायर माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एल है 4 सेंटीमीटर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर 2l का होल स्क्वायर हो गया 0.08 का होल स्क्वायर.
raised to the power 3/2. So this will be 10^-7. So this is equal to 217.77, 10^-7. So this is 21.77, 10^-6. सो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 22 माइक्रो टेस्ला लिख सकते सर. इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दो. हर पोल के वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है. पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम के टर्म्स में जो हम लोग फोर्स लिखते हैं, दैट फोर्स का जो वैल्यू है, दैट इज एफ इज इक्वल टू, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड. इसके वजह से, इस पोल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस पे होता है, तो पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π एम बाय डी स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, इसी पे बेस्ड है. बस तो एक पोल यहाँ पे, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक पोल इधर है उसके वजह से साउथ पोल के तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से अवे होता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ के अलोंग होता है, जो हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहे थे. ये डायरेक्शन था, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है. तो ये इस डायरेक्शन में बी एच था, तो बी एच इज अलोंग द नॉर्थ डायरेक्शन. सो ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ के अलोंग है, वो यही चीज बोल रखा है 6 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट. तो बी एच का ये डायरेक्शन हो, हमें नेट निकालना है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. तो न्यूट्रल पॉइंट वहां एग्जिस्ट करता है जहां पे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड मतलब अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और नॉर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल की वजह से, ये सब एक दूसरे को बैलेंस करेगा. बैलेंस करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर शुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, ये बी एन कॉस थीटा, ठीक है, ये बी एच हो गया, इधर कहीं बी वी होगा, बी वी जो है बी एन साइन थीटा को बैलेंस करेगा, और बी एच जो है वो बी एन कॉस थीटा और बी एस के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा. वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, सो सॉल्व करके निकाल लिए हमने. बी एच का वैल्यू हम लोग को निकालना था यहाँ. क्लियर है? यस सर. लिखा तुमने?
यस लिख अभी ये 8th वाला है The magnetic field at a point on the magnetic equator is equal to 3.1 into 10 to the power minus 5 Tesla. So, ये net magnetic field हो गया, ठीक है? So this is now taking the Earth's रेडियस टू बी 6400 किलोमीटर राइट ये जो डिस्टेंस है ये जो इक्वेटर है इस अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा है ना वो मैग्नेटिक इक्वेटर बेसिकली वो उसका ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन होगा इक्वेटोरियल प्लेन होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट सॉरी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में वो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बराबर हो ये जो डिस्टेंस है डी यहाँ पे डी इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर और 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो गया ये डी का वैल्यू हो गया अब मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू दे रखा है 3.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला ये इक्वेटोरियल प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एज्यूम्ड डायपोल हम लोग को कैपिटल एम का वैल्यू निकालना एट द अर्थ सरफेस तो इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू मैग्नेट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब तो डी तो यहाँ पे यही है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है राइट सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 एम का वैल्यू हम लोग को निकालना है बाय डी क्यूब मतलब 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6 का होल क्यूब हो जाएगा राइट अब ये जो है जो इक्वेटोरियल प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है 3.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 This is equal to 10 to the power minus 7 into capital M का value हम लोग को निकालना है divided by 6.4 10 to the power 6 का so ये capital M का जो value है this will be 3.1 into 10 to the power minus 5 6.4 cube into 10 to the power 18 divided by 10 to the power minus 7 ये m का वैल्यू हो गया सो इसको सॉल्व कर लेंगे 3.1 into 6.4 का क्यूब सो दिस इज 812 812.64 into 10 to the power 18 minus 5 13 plus 7 20 okay so m is equal to 8.12 into 10 to the power 22 clear क्लियर है बच्चों यस सर यस सर लिख लिया सर अब इस क्वेश्चन में
The Earth's magnetic field at a geomagnetic pole has a magnitude of 6.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. So, जो ये net magnetic field है poles पे, that is 6.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. Now, find the magnitude and the direction of the field at a point on the Earth's surface where the radius makes an angle of 135 degree with the 135 degree with the axis of the Earth's assumed magnetic dipole. What is the inclination dip at this point? तो बेसिकली क्या है, देखो तुम लोग को, हम लोग को वो वाला केस करना है जहाँ पे हम लोग जनरल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, तो वहां पे ये जो थीटा है ये दे रखा है. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इज इक्वल टू, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला होता है. और हमें ये पता है कि मैग्नेटिक पोल्स पे जो, मतलब जो मैग्नेटिक पोल्स मतलब यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एक्सियल प्लेन पे. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय आर क्यूब होता है. तुम यहाँ पे ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट पोल इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पोल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. इसमें इक्वेशन 1 में इसको सब्सटीट्यूट कर दो, ये जो म्यू नॉट बाय फोर पाई एम बाय आर क्यूब है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं इस पॉइंट से. सो हमारा बी इज इक्वल टू बी पी अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. सो बी इज इक्वल टू बी पी इज 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस 135 डिग्री. कॉस 135 180 माइनस 45 हो गया, तो ये बेसिकली नेगेटिव होगा बट स्क्वायर कर रहे हो तो 3 इंटू 1 बाय 2 हो जाएगा. सो दिस विल गिव यू बी इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 बाय 2. सो 5 बाय 2 हो गया, रूट अंडर 5 बाय 2. इसको कैलकुलेट करते रहते हैं तो b का वैल्यू 3.1 into root. ये तो ये हो गया. अब हमें अल्फा निकालना है बेसिकली. व्हाट इज द इंक्लिनेशन एट दिस पॉइंट? सो इंक्लिनेशन एट दिस पॉइंट, उसके पहले टैन अल्फा अगर हम लोग निकाल लेते हैं, टैन अल्फा विल बी इक्वल टू जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है टैन अल्फा, हम लोगों ने देखा था tan थीटा बाई 2 होता है. tan थीटा बाई 2 मतलब tan 135 डिग्री अपॉन 2. सो tan 135 डिग्री, tan 45 माइनस 1, और ये माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 tan अल्फा हो गया. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 3.5
सो 153 डिग्री This is alpha is 153 degree. तो ये जो 153 degree आएगा basically तो ये जो alpha 153 degree आया अब हम लोग को dip निकालना है. तुम देखो ये जो earth है ये earth कुछ इस तरीके से होगा है ना ये कर्व जैसा होगा यार. अब इसके अलोंग टेंजेंट के अलोंग जो ये होता है इसके वजह से अब यहाँ पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा जो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा वो 90 डिग्री बना रहा होगा और हमें ये एंगल निकालना है बेसिकली डिप मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उससे क्या एंगल बन रहा है. तो इस 153 डिग्री में सो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो गया और जो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा एंगल बना रहा है 153 डिग्री. उसमें से हम लोग क्या करेंगे ये 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को डिप आ जाएगा. तो डेल्टा इज इक्वल टू 153 माइनस 90 सो दिस इज 63 डिग्री. तो बेसिकली तुम इसको याद भी कर सकते हो कि कभी भी तुमको अगर डिप निकालने बोला है तो जो तुमने अल्फा एंगल निकाला है उससे 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको डिप निकल जाएगा. Is it clear? Yes, sir. अब ये magnetic needle is free to rotate in a fixed vertical plane, stays in a direction making an angle 60 degree with the horizontal. So ये यही चीज हो गया. ये एंगल 60 डिग्री है ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जो मैग्नेटिक नीडल होगा इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है राइट. सो इट इज मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इफ द डिप एट दैट प्लेस इज 37 डिग्री तो डेल्टा 37 डिग्री है ये वाला 60 डिग्री नहीं है दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये एंगल 37 डिग्री है. कह रहा मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन स्टेज इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सो stays in this direction making 60 degree with the horizontal and if the dip at that place is 37 degree so delta to dip to hume pata hai this is 37 degree find the angle of the fixed plane with the meridian so basically ye plane ka angle with the meridian hum log ko nikalna angle of the fixed plane with the meridian डेल्टा वन इज डीवी बाय डीएच कॉस थीटा
I'll just make the figure all over again. So here a magnetic needle free to rotate in a fixed vertical plane stays in a direction making angle 60 degree with the horizontal. Which angle hai, let's say. If the dip at that place is 37 degree, so delta tum logo 37 degree padta hai. हमारे पास एक और प्लेन है यहाँ पे इस वाले प्लेन में ये पीछे वाले प्लेन में एक ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये जो हमारा इस डायरेक्शन में BH था अब ये एंगल थीटा है तो ये हो गया BH cos थीटा और इसमें ये जो पीछे वाला प्लेन है उस वाले प्लेन में ये डेल्टा वन एंगल बना है और जो इसका इधर जो एंगल है वो डेल्टा है इस वाले जो मैग्नेटिक मेरिडियन में इसका डिप डेल्टा था ये जो वर्टिकल प्लेन जिसकी बात कर रहा है उस वर्टिकल प्लेन में इसका जो डिप है वो डेल्टा वन सो डिप इन सो डिप इन फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन is equal to delta 1 dip in magnetic meridian this is delta and angle between vertical plane and magnetic meridian This is equal to theta. इन दोनों planes के बीच में angle theta, जो vertical plane है उसमें जो dip है वो delta one है तो ये जो vertical plane में ये dip delta one ये 60 degree दे रखा है ये जो dip जो normal magnetic meridian में होता है वो दे रखा है 37 degree. आपको ये angle theta निकालना है We have to find this angle theta. So अभी हमारा ये जो इस डायरेक्शन में बी एच था तो इस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी एच कॉस थीटा हो गया बीवी तो दोनों फील्ड किसी भी प्लेन में बीवी सेम ही रहेगा सो टेन डेल्टा वन इज इक्वल टू बी एच कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी बीवी बाय BH cos theta क्योंकि इस प्लेन में वर्टिकल प्लेन में अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो BH cos theta हो सो BV by BH cos theta gives you tan delta one अब हमें पता है BV by BH tan delta is equal to BV upon BH इसको यहां रिप्लेस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा tan delta divided by cos theta. So cos theta is equal to
tan डेल्टा डिवाइडेड बाय tan डेल्टा 1. tan डेल्टा है हमारा tan ऑफ 37 डिग्री बाय tan ऑफ 60 डिग्री. tan 37 डिग्री इज 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय रूट 3. सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4. सो रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 कॉस इनवर्स ऑफ दिस 64.34 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 64.34. ठीक है. समझ में आया तुम लोग को? यस सर. उर्जित और कुशल आप दोनों? यस सर. यस सर. चलो लिख लो. लिख लिया इसको? सर लिख रहा हूँ. लिख लो. हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे ना. इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जो आईटी में जो आ चुके हैं क्वेश्चंस, वो थोड़े से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसी पे, सेम टॉपिक पे.